बीच बड़ी खबर मिल रही है उन्नाव से। उन्नाव अस्पताल में आग लग जाने की वजह से हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उन्नाव से। तो उन्नाव के अस्पताल में वार्ड नंबर 1 में अचानक आग लग गई। हालांकि वजह नहीं साफ होती नजर आ रही है कि क्या कुछ वजह रही आग लगने की। तो आग इतनी भयानक थी कि वार्ड में धुआं भर गया। अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल में अचानक आग लगी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अस्पताल कर्मियों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया है। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है इस आग लगने की वजह से। आखिर क्या कुछ वजह रही ये साफ होती नजर नहीं आ रही है कि आग कैसे लगी। लेकिन अस्पताल में आग लगी है जिससे कर्मचारियों जो अस्पताल में जो मरीज थे उनमें भी हड़कंप मच गया। काफी जद्दोजहद के बाद अस्पताल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि आखिर क्या कुछ वजह रही आग लगने की। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। विक्रम सिंह राठौर इस खबर पे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विक्रम, क्या कुछ वजह पता चल पाई है आग लगने की? जी जी सोनी जी, पहले तो आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये उन्नाव के जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 1 का है, जहां पर आज एकदम से हड़कंप मच गया आग लगने की वजह से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो आग थी ये बर वार्ड के पास में ही लगी थी, जिससे कि बहुत बड़ा हादसा होते होते आज बचा है। इसमें कहीं ना कहीं जिला अस्पताल के जो प्रशासक है उनकी बहुत बड़ी कमी थी। और जब हमने इसमें मुख्य अधिकारी जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनसे बात करी तो उन्होंने एक बड़ा ही बेतुका बयान दिया कि उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आग लगी है वो किसी ने बीड़ी पीकर वहां फेंक दी होगी, जिससे कि आग लग गई है। जिससे कि बड़ा सवाल ये उठता है कि जिला अस्पताल के परिसर में बीड़ी पीना अलाउ है? जी बिल्कुल, कई अहम सवाल भी खड़े होते हैं इस तस्वीर के आने के बाद से। विक्रम, एक बड़ी चूक नजर आ रही है अस्पताल प्रशासन की कि आखिर इतनी बड़ी चूक के चलते इससे एक बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ। क्या अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध में कोई रुख दिया? क्या कुछ जानने की कोशिश की आपने, क्या कुछ रुख निकलता नजर आया उनका? जी, जब हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी से बातचीत करी तो उन्होंने पहले तो इस बात पे ही ये कहा कि आग बीड़ी से लग गई होगी, जो कि अभी कंट्रोल कर ली गई है। जब हमने उनसे आगे ये पूछा कि आगे ऐसा कुछ ना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो उस पर भी उन्होंने एक मतलब सारी बातें अपने कर्मचारियों पर टालते हुए कही कि हम अपने कर्मचारियों को लिखित रूप से हिदायत देंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। कि मतलब कि उन्होंने अपने एक तरीके से जो कुछ बातें थी अपने पास से झाड़ते हुए बताया कि अब हम कर्मचारियों को और उनको उनको समझाएंगे। शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। तो अस्पताल प्रबंधन प्रशासन की एक बड़ी चूक यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने तर्क दिया कि किसी कर्मचारी ने बीड़ी फेंक दी होगी, जिसके चलते कूड़े के ढेर में फेंका होगा, जिसके चलते आग लग गई, जो दलील दी है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही है, इससे एक बड़ा हादसा हो सकता था जो कि होते होते टल गया।